तो आज मैं गूगल ट्रांसलेट करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की इन मॉब्स को, वो भी हिंदी में। मतलब जो भी मुझे यहाँ पे गूगल बोलेगा मैं इस मॉब को वैसा ही बना दूंगा और माइनक्राफ्ट के अंदर डाल दूंगा। और आज की इस वीडियो में मैंने सच में काफी ज्यादा अजीबोगरीब मॉब बनाए हैं। चलो शुरुआत करते हैं माइनक्राफ्ट के स्क्रिप्टर से। चलो गूगल से पूछते हैं इसका क्या ट्रांसलेशन करेगा। जादू। ओके, मेरे को नहीं पता है किस जादू की बात कर रहा है, लेकिन मैं ये वाला जादू बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसका हेड हटा देता हूँ, पैर इसके हटा देता हूँ और इसके पेट से हम जादू को निकालने वाले हैं। ओके, तो मैंने अभी ये जादू की बॉडी तो बना दी है, लेकिन अभी आपको ये टीन के डब्बे जैसी दिखेगी। इसका फेस बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। एंड चलो इसको कलर देते हैं। ऊपर यहाँ पे मैं पूरा ब्लू कलर करने वाला हूँ एंड नीचे जो उसका कोट रहता है उसको मैं येलो कलर का करने वाला हूँ। और ये भाई कुपोषित जादू लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, अभी माइनक्राफ्ट को ओपन करते हैं एंड चलो देखते हैं हमारी ये जादू माइनक्राफ्ट के अंदर कैसा दिखेगा। ये तो काफी ज्यादा सही लग रहा है, लेकिन ये इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। एंड गाइस, ये वही जादू है जिसको धूप बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यार इसकी हाइट बहुत ज्यादा यहाँ पे छोटी हो चुकी है एंड ये वाला जादू आपके आसपास आके से फट भी सकता है। और एक चीज मेरे को जस्ट अभी पता चली, इस जादू के पैर ही नहीं है, ये चल कैसे रहा है। भाई मैं इसको पूरे 10 में से 10 देना चाहूंगा, आपको ये कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और नेक्स्ट मॉब जिसको मैं यहाँ पे बदलने वाला हूँ वो है ये घास्ट। जी हाँ, ये खतरनाक सा घास्ट। चलो गूगल से पूछते हैं इसको किसके अंदर बदला जाए। उड़ाता पतंग। उड़ता पतंग, अब हमें घास्ट को एक उड़ती हुई पतंग में बदलना पड़ेगा। चलो ये तो काफी सिंपल होने वाला है, मेरी कलाकारी देखो तुम बस। तो सबसे पहले मेरे को इस घास्ट को एकदम पतला करना पड़ेगा, क्योंकि पतंग भी ऐसी पतली सी होती है ना, तभी तो उड़ेगी। और अब मैं इसकी सारी टांगों को हटा के सिर्फ एक ही टांग का यूज करने वाला हूँ। और पतंग की साइड में जो लकड़ी होती है उसको भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। एंड ये देखो हमारी घास्ट वाली पतंग एकदम तैयार है। बस मैं सोच रहा हूँ उसको लाल कलर दिया जाए, तभी तो मजा आएगा। चलो मैं इसको पूरा पेंट कर देता हूँ, वो भी रेड कलर में, और इसकी डंडिया को ब्राउन कलर में पेंट कर देता हूँ। एंड ये देखो फाइनली हमारी ये पतंग तैयार हो चुकी है। चलो चलो फटाफट से इसको मैं माइनक्राफ्ट के अंदर डालता हूँ, देखते कैसे दिखेगी। ऑलराइट, वे भाई साहब इतनी ज्यादा बड़ी पतंग है ये तो। अरे टेढ़ी मेढ़ी उड़ रही है ये तो। अरे यहाँ नहीं ओवरवर्ल्ड में नहीं, यहाँ पे इसको नेदर के अंदर लेके चलते हैं। ये देखो गाइस, नेदर के अंदर हमारी पतंग मस्त तरीके से उड़ रही है, ताकि जल ना जाए। और इस पतंग में बस एक ही दिक्कत है, इसकी डोरी तो है नहीं भाई, अपने आप ही उड़ी जा रही है ये। एंड अगर मैं यहाँ पे सर्वाइवल में जाऊंगा तो यस, ये पतंग मेरे ऊपर आग के गोले भी छोड़ेगी। 15 अगस्त को ऐसी पतंग उड़ाना भाई, सारे लोग भाग जाएंगे। एंड यहाँ पे जब हम नेदर में आ ही चुके हैं तो अब हम चेंज करते हैं इस ब्लेज को। चलो गूगल से पूछते हैं भाई ब्लेज क्या होता है। गैस सिलेंडर। भाई ब्लेज गैस सिलेंडर कैसे हो सकता है भाई, गैस सिलेंडर तो फट जाता है ना। ओके, मजाक बहुत हो गया, अब बना ही देते हैं यार इसको। तो सबसे पहले मैंने इसकी सारी टांगे हटा के इसको डब्बे जैसा बना दिया है। और इसके सिर को मेरे को थोड़ा यहाँ पे बड़ा करना पड़ेगा, ताकि थोड़े बहुत सिलेंडर जैसी शेप आ जाए। एंड आई नो ये दिखने में बिल्कुल भी सिलेंडर जैसा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पे खाली जगह पे पेंट करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लाल कलर ही चुनने वाला हूँ, क्योंकि सिलेंडर लाल कलर का होता है। एंड यहाँ पे मैं ऊपर वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से अंदर कर देता हूँ। एंड हाँ, अब ये थोड़ा बहुत सिलेंडर जैसे दिख रहा है, परफेक्ट। इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे पेंट कर दिया और ये देखो सिलेंडर जैसे दिख रहा है। और ऊपर मेरे को यहाँ पे ऐसे डंडे डाल दें जिससे सिलेंडर को पकड़ा जाता है। और थोड़ा बहुत हम इसको रीटच दे देते हैं, थोड़ा सा घटिया दिख रहा है, लेकिन हाँ हमारा सिलेंडर यहाँ पे एकदम तैयार हो चुका है। चलो माइनक्राफ्ट को खोलते हैं और देखते हैं ये कैसा दिखेगा। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये तो जलता हुआ सिलेंडर है, ये तो कभी फट जाएगा, ये जैसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों उड़ रहा है। लेकिन मेरी कलाकारी का कमाल देखो, कितना ज्यादा मस्त बनाया मैंने, लेकिन ये बीच वाली लाइन तो मैंने डाली नहीं थी। और ये देखो ये रहे काफी सारे चलते फिरते सिलेंडर जो कि आग भी फेंकते हैं। और अभी जस्ट मेरे को पता चला ये सिलेंडर उड़ते भी है, इस टाइप के सिलेंडर मैंने पहली बार ही देखा है। और नेक्स्ट वाला मॉब जो हम यहाँ पे बदलने वाला है वो है ये वार्डन। हाँ, अब आएगा ना असली मजा। तो चलो गूगल से पूछते हैं कि वार्डन का मतलब क्या होता है भाई हिंदी में। है आंटी, आंटी ये तो वार्डन की बेइज्जती कर रहा है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे वार्डन को एक आंटी बनाने वाले हैं, अभी साड़ी पहनी हुई आंटी। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं आंटी बनाऊं कैसे। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका हेड को ऐसे छोटा करने वाला हूँ और इसकी बॉडी भी धीरे धीरे ऐसे छोटी कर देते, बिल्कुल पतली आंटी बनाएंगे हम। ये देखो वार्डन का क्या हल कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी वार्डन के एंटीनास को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसके सिर पे ऐसे मैं जूड़ा बना देता हूँ आंटी का। और अब गाइस बारी है इसको पेंट करने की। सबसे पहले मैं स्किन कलर कर देता हूँ और लाल कलर की मैं साड़ी बना देता हूँ। एंड ये देखो गाइस हमारी आंटी ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हो चुकी है। बालों में अच्छा सा मैं टेक्सचर डालता हूँ यहाँ पे, साड़ी का एकदम बढ़िया तरीके से पल्लू बना देता हूँ। और थोड़ी बहुत डिजाइन भी तो करनी पड़ेगी। और हाँ, आंटी की आंखें बनाने तो मैं भूल ही गया हूँ। और ये लो गाइस वार्डन की मैंने यहाँ पे आंटी बना दी, वैसे काफी बढ़िया काम करा मैंने। ओके, तो अब डालते हैं इसको माइनक्राफ्ट के अंदर और देखते हैं हमारी वार्डन वाली आंटी कैसी दिखती है। ओ भाई ये क्या कर दिया मैंने, कितनी ज्यादा अजीब दिख रही है ये। और इसका चलने का स्टाइल कुछ ज्यादा ही अजीब है। और आई थिंक ये आंटी अभी टर्टल्स को मारने जा रही है। भाई मार देना इतना वेट। ओ भाई साहब लाती पड़ी है, बहुत ही ज्यादा गजे भाई है। गाइस यहाँ पे बहुत सारे आंटीज को हम यहाँ पे स्पॉन करते हैं और यहाँ पे हम बहुत सारे आयरन गोलम को भी स्पॉन करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे यार आंटी ही जीतने वाली है, आंटी लोग के आगे कोई बोल सकता है क्या। वैसे आप इस आंटी के मॉडल को कितना रेट करोगे 10 में से मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे बदलने वाले हैं
वो है ये माइंड कार्ड। चलो देखते हैं गूगल क्या ट्रांसलेट करता है इसका। वे भैंस की आंख। चलो अब इस माइंड कार्ड को हमें एक रिक्शा के अंदर बदलना पड़ेगा। ओके ये कैसे करूंगा मैं, चलो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं माइंड कार्ड का ये साइड वाला हिस्सा लेके इसको आगे करने वाला हूँ और मैं सारे इसके दरवाजे खोल के इसकी रिक्शा की बॉडी बनाने वाला हूँ। रिक्शा कुछ इस टाइप का दिखता है। चलो मैं ट्राई करता हूँ पहले इसकी मैं इस टाइप से कुछ बॉडी बना लूँ और इसी से हम ये गोल गोल टायर भी बना लेते हैं। ये पहला टायर, दूसरा और ये तीसरा, तीन टायर हम यहाँ पे बनाने वाले हैं और यहाँ पे हम अपनी रिक्शा की छत भी बनाएंगे ताकि धूप ना लगे भाई। एंड ये देखो फाइनली हमारा सस्ता मॉडल तो तैयार हो चुका है। अब बारी है इसको पेंट करने की। तो सबसे पहले मैं व्हील्स को यहाँ पे ब्लैक कलर का करने वाला हूँ, इसकी छत को येलो कर देते हैं, इसकी सीट को रेड कर देते हैं और हल्के फुल्के टचेस के बाद फाइनली हमारी ये रिक्शा तैयार हो चुकी है। क्योंकि माइनक्राफ्ट चलाते देखते हमारी रिक्शा आखिर बनी कैसे। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे बहुत सारी रेल बिछानी पड़ेगी। हाँ इतनी काफी है। लेट्स सी हमारी रिक्शा यहाँ पे कैसी दिखती है। ओ भाई ये तो काफी ज्यादा मस्त बना दी मैंने। क्या हम इसके अंदर बैठ सकते हैं? ओ बैठ गए हम। ओके ये कहाँ बैठा है भाई? इसका बैठने का तरीका काफी ज्यादा कैजुअल है। और भाई पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। ओके आगे भी चल पड़ी है ये। बस इसका बैठने का तरीका काफी ज्यादा कैजुअल है लेकिन ये चलने में काफी ज्यादा ही बढ़िया है। और आई थिंक तुम इसके अंदर ऐसे सवारी भी बिठा सकते हो और इनसे मस्त पैसा वसूल कर सकते हो। और हाँ आप इस रिक्शा को कितने नंबर देना चाहोगे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड ये देखो जरा गाइस ये क्या है, मोस्ट बेट। अरे हाँ ये तो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स न्यूज वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे स्पोर्ट्स के अपडेट मिल जाते हैं। और हाँ स्पोर्ट्स की नॉलेज पाके आप अच्छे प्रिडिक्शन करके यहाँ से अच्छे रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। यहाँ पे आपको 24/7 चैट सपोर्ट मिल जाएगा और सबसे ज्यादा तगड़ी चीज यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल करना काफी ज्यादा सिंपल है। तो आप वेट किस चीज का कर रहे हो, जाके यार फटाफट से रजिस्टर करो। और हाँ मेरा प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक आपको कहाँ मिलेगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर। और अब जिस मॉब को हम चेंज करने वाले हैं उसका नाम है शलकर। ओके गूगल से पूछते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होता है हिंदी में। भाई गूगल सटिया गैस का वड़ा पाव भी बना दिया। चलो कोई नहीं है, तो सबसे ज्यादा आसान काम होने वाला है क्योंकि शलकर और वड़ा पाव एक जैसा ही दिखता है। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर वाला जो छोटा सा शलकर है उसको बड़ा करने वाला हूँ ताकि एकदम पाव जैसा दिखे ये। और ऊपर वाले इन डब्बों को मेरे को थोड़ा बहुत बन जैसा शेप देना पड़ेगा। और ये शलकर बॉक्स का बर्गर तो तैयार हो चुका है, बस मेरे को अच्छे तरीके से इसको पेंट करना है। एंड ये देखो गाइस बर्गर जैसा दिखने वाला वड़ा पाव मैंने यहाँ पे बना दिया है। चलो देखते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर ये कैसा दिखेगा। यहाँ पे शलकर को स्पॉन करता हूँ। अरे वाह ये देखने में तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, इतना ज्यादा बड़ा बड़ा पाव बना दिया मैंने। और इसके अंदर से आपको अजीब अजीब आवाजें भी आएगी और इसकी खासियत ये है आपको ये बड़ा फेंक फेंक के मारता है ऐसे और आपको तगड़ा डैमेज पहुंचाता है। एक काम करते हैं यहाँ पे काफी सारे बड़ा पाव को स्पॉन करते हैं, यहाँ पे काफी सारी अंटी को स्पॉन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन जीतने वाला है। ओके सारी अंटियां यहाँ पे बड़ा पाव को खाने लग चुकी है और अंटियों ने एक एक करके यहाँ पे बड़ा पाव को खाना शुरू कर दिया है लेकिन कुछ अंडिया यहाँ पे हवा में भी उड़ चुकी है। वाह भाई बड़ा पाव का हो गया तो यही होएगा। तो गाइस अभी तक हमने यहाँ पे गूगल की मदद से काफी सारे मॉब्स को बदल दिया है लेकिन अब बारी है इस ट्राइडेंट को बदलने की। देखते हैं इसका गूगल क्या ट्रांसलेशन करेगा। चप्पल। भाई मैं सच में बोल रहा हूँ गूगल यहाँ पे सटिया गया है। ट्राइडेंट तो हम दुश्मनों पे फेंक के मार देना। वैसे हाँ चप्पल भी तुम अपने दुश्मनों पे फेंक के मार सकते हो लेकिन मैं यार इसका ट्राइडेंट का चप्पल बनाऊं कैसे। मेरे हिसाब से ये वाला चीज काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। सबसे पहले तो ये सारी चीजें हटा देते हैं एंड मैं पहले ट्राई करता हूँ कि चप्पल का निचला वाला पार्ट बना दूं जिसपे हम पैर रखते हैं। ओके मैंने बना तो दिया लेकिन ये चप्पल कहीं से नहीं लग रही है। चलो अब मैं यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट बना देता हूँ जहाँ पे हम अपना पैर डालते हैं। एंड हाँ अब ये थोड़ी बहुत लग रही है चप्पल जैसी और इसको मैं व्हाइट और ब्लू ही पेंट करने वाला हूँ, बिल्कुल पैरागोन की चप्पल जैसा। एंड हाँ अब टेक्सचर लगने के बाद ये बिल्कुल चप्पल जैसी ही दिख रही है। एंड चलो अब माइनक्राफ्ट के अंदर इसको फेंक के देखते हैं कैसी लगेगी। ओह माय गॉड गाइस इतना बड़ा चप्पल आ चुका है एंड ये दिखने में तो काफी ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है। एंड ऑब्वियसली ये ट्राइडेंट है तो उसको आप ऐसे फेंक के भी मार सकते हो लेकिन आसपास मेरे को यहाँ पे कोई मेरा दुश्मन नहीं दिख रहा है और विलेजर से बढ़िया कौन ही हो सकता है। चलो उसको फेंक के मारते हैं। ओ भैंस की आंख कितना बड़ा चप्पल है, विलेजर से भी ज्यादा बड़ा चप्पल है ये। और हाँ तुम लोग इस चप्पल को यहाँ पे इंचेंट भी कर सकते हो और फिर इस चप्पल के अंदर से भी बिजली खड़केगी और इसको मैं पूरे 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा। और अब मैं इस बड़े से मॉब विदर को भी यहाँ पे बदलने वाला हूँ। वैसे भी इसकी शक्ल कुछ ज्यादा खास मेरे को पसंद है नहीं। चलो गूगल बाबा से पूछेगा इसका क्या ट्रांसलेशन करेगा। तीन सिर वाला रावण। हाँ ये तो काफी ज्यादा सही रहेगा। इस विदर का हमें भाई रावण बनाना है, इसमें यार बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसका सारे बॉडी पार्ट खत्म करने वाला हूँ एंड इसकी जो टेल है उसी से पूरा हम रावण बनाने का ट्राई करेंगे।
यहाँ पे मैंने रावण के कुछ इस टाइप से पैर बना दिए हैं और उसके ऐसे डोले शोले बना देते हम। अभी आपको ये किसी ट्रॉफी जैसी लग रही होगी, लेकिन अब देखो ये थोड़ा थोड़ा रावण जैसा ही लग रहा है। और चलो अब इसको कलर करते हैं। पहले इसकी लंगोट करते हैं लाल कलर की, इसके ताज को भाई एकदम गोल्डन कलर का कर देते हैं और बढ़िया से इसके डोले शोले बना देते हैं, क्योंकि भाई रावण काफी ज्यादा पावरफुल होता है ना। अब इसकी शक्ल बनाते हैं, एकदम ब्यूटीफुल रावण बनाएंगे हम। एंड ये देखो गाइस, घंटों की मेहनत के बाद रावण हमारा तैयार है और भाई साहब कितना ज्यादा ये खतरनाक लग रहा है। चलो अब माइनक्राफ्ट ओपन करते हैं एंड लेट्स सी हमारा यहाँ पे रावण कैसा दिखने वाला है। भाई ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। एंड ये क्या फटने वाला है क्या? एंड ये वाला रावण तो भाई ऐसे हवा में भी उड़ता है। और वैसे रावण के 10 सिर होते हैं, लेकिन इस रावण के भाई 3 ही सिर है और काफी ज्यादा डरावना लग रहा है ये। एंड गाइस अब मैं यहाँ पे बहुत सारी अंटी को स्पॉन करने वाला हूँ एंड देखते हैं कि रावण जीतेगा कि ये अंटी। भाई यहाँ तो बिल्कुल भसड़ मच चुकी है और काफी ज्यादा तगड़ी फाइट चल रही है और आई थिंक अंटी इसको मार देगी। भाई ये पानी में क्यों जा रही है सारी? भाई अंटियों के आगे कोई बोल सकता है कि रावण क्या ही गंदी तरीके से पिल रहा है। और यहाँ पे हमारा रावण बिल्कुल खत्म हो चुका है। भाई अंटी लोगों से कोई पंगा मत लेना, मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ। और नेक्स्ट वाला मॉब जो हम यहाँ पे बदलने वाले हैं वो है ये चिकन। चलो गूगल बाबा से पूछते इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ओके, इसको तो बटर चिकन मसाला बना दिया है, तो अब मेरे को इस चिकन को बटर चिकन बनाना पड़ेगा। इस बेचारी मुर्गी को क्या पता इसका आज भरता बनने वाला है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इसकी सारी चीजें हटानी पड़ेगी। इसका बीच का पेट रखेंगे और इसकी मैं यहाँ पे थाली बना लेता हूँ। ये लो भाई मेरी यहाँ पे थाली तो बन चुकी है, अब इसके अंदर मैं अपनी सब्जी डालने वाला हूँ। ये लो हमारी सब्जी भी यहाँ पे बन चुकी है और काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है। और अब मैं यहाँ पे लेग पीस भी डालने वाला हूँ। भाई लेग पीस के बिना तो मजा ही नहीं आएगा ना। एंड ये देखो फाइनली गाइज हमारी चिकन की मैंने बटर चिकन बना दिया है और दिखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। चलो अब देखते हैं हमारी चिकन माइनक्राफ्ट के अंदर कैसी दिखेगी। ओके, इसकी टांगे बनाना तो मैं भूल ही गया हूँ और ये धीरे धीरे हिल भी रही है और इसके अंदर आप देख सकते हो पूरी भाई सब्जी भरी हुई है। एंड क्या ओ ये भाग रही है। भाई पहली बार मैंने बटर चिकन ऐसी देखी होगी जो भागने लग गई है। एंड अगर इसको आप मार दोगे तो आपको रॉ चिकन मिलेगा और ये तो मुझे अभी भी पता चला कि वार्डन को भी बटर चिकन काफी ज्यादा पसंद है। और नेक्स्ट मॉब यहाँ पे हम बदलने वाले हैं एंडरमैन को। देखते हैं गूगल इसका क्या ट्रांसलेशन करता है। ओके, मुझे लगा ही था कुछ अजीब गरीब नाम देने वाला है। वैसे भी एंडरमैन नहीं देखो खंबे की तरह ही तो दिखता है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ इसके हाथ हटा देता हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक किसी भी खंबे के हाथ होते हैं ऐसे। और इसकी टांगों को मैं जोड़ देता हूँ और एक काम करते हैं इसको पूरा व्हाइट कलर दे देते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर का खंबा मस्त दिखेगा। और थोड़ा सा ऊपर ऐसे जॉइंट्स दे देते हैं जहाँ से तार निकलेगी हमारी खंबे की। और थोड़ा बहुत टेक्सचर देने के बाद यहाँ पे हमारा एंडरमैन वाला खंबा बिल्कुल रेडी है। लेट्स सी ये एंडरमैन यहाँ पे कैसा दिखने वाला है। ओ भाई ये तो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है और इसके सिर के बीचों बीच एक भाई आंख भी बनी हुई है और ये चलने का स्टाइल बड़ा ही अजीब था इसका। एंड देखते हैं अगर हम इसको घूरेंगे तो हमारे पीछे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जी हाँ, ये खंबा हमारे पीछे भी पड़ जाएगा अगर आप इसको घूरोगे तो। एंड देखते हैं क्या इसको पानी से डैमेज पहुंचेगा। ओके, ये तो टेलीपोर्ट ही हो गया कहीं। तो इसी के साथ गाइस ये वाली वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको आज की वीडियो बढ़िया लगी तो यार लाइक कर देना। और हाँ, अगर आपको माइनक्राफ्ट की बिल्कुल अननोन चीजें जाननी है तो इस वीडियो को जाके जरूर देखना, आपका दिमाग ही फट जाएगा।